हेलो दोस्तों, एनबीटी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मकर संक्रांति स्पेशल मुरमुरा लड्डू बनाने की एक आसान सी रेसिपी दिखाने जा रहे हैं। ये स्वीट डिश चुटकियों में तैयार की जा सकती है। ये डिश घर के बच्चों से लेकर बड़ों को भी पसंद आएगी। खास बात ये है कि अगर आप डाइटिंग पर भी हैं तो भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। इन लड्डुओं को डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान है, तो चलिए सीखते हैं कि इन्हें बनाना कैसे है। मुरमुरे लड्डू बनाने के लिए आपको चाहिए एक कटोरी मुरमुरा, 5 से 6 गुड़ की डलियां और 1 कप पानी। एक पैन में 1/2 कप पानी लेंगे। अब गुड़ की डलियों को इसमें डालकर पिघला लेंगे। इस तरीके से हम गुड़ का रस बनाएंगे। ध्यान रखें कि गुड़ का रस ज्यादा पतला ना हो। इसके लिए गैस की आंच धीमी रखें और इसे लगातार चलाते रहें। थोड़े थोड़े टाइम में चेक करते रहें कि मिश्रण कितना गाढ़ा हुआ है। जब गुड़ अच्छी तरीके से घुल जाए तो गैस को बंद कर दें। अब एक पैन में 1 कटोरी मुरमुरे लें। अब इन्हें गुड़ में डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब बारी आती है लड्डू बनाने की। इसके लिए हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मिश्रण हाथों पर चिपके नहीं। अब देखिए, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिश्रण लेकर इन्हें लड्डुओं का आकार दें। हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए आप लड्डू तैयार कर लें। अपनी पसंद के हिसाब से आप लड्डुओं का आकार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। ध्यान रखें कि मिश्रण के तैयार होने की कुछ ही देर में लड्डू बनाना शुरू कर दें। ऐसा ना करने पर लड्डुओं के टूटने की संभावना रहती है। चेक कर लें, जब मिश्रण हल्का गर्म रहे तब आप लड्डू बनाना शुरू कर सकते हैं। लड्डू बनाकर इन्हें हवा लगने के लिए रूम टेम्परेचर पर कुछ देर के लिए छोड़ दें। जब लड्डू सूख जाएं, तो आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं। आप इन लड्डुओं को ताज़ा ताज़ा भी सर्व कर सकते हैं। इन लड्डुओं को आप किसी भी त्यौहार के लिए बना सकते हैं। सर्दियों के मौसम में इन्हें खाने का मज़ा कुछ और ही होगा। तो इस मकर संक्रांति को अपने पूरे परिवार के साथ इंजॉय करें मुरमुरे लड्डू। इन्हें खाकर बड़े भी अपने बचपन में लौट जाएंगे। मुरमुरे लड्डू की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो लाइक का बटन दबाइए। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही टेस्टी और आसान रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें NBT।